तो हेलो फ्रेंड, माय नेम इज रोशन खेल। सो आज हम बात करने वाले हैं प्रीमियम प्रो के 5 एडवांस फीचर के बारे में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को प्रेस करना होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट है ऑटो क्लीन। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग प्रीमियम प्रो को चालू रखते हैं और वो ऑटो क्लीन नहीं होने के कारण वो हैंग कर जाता है, तो आपको एडिट में जाना है, उसके बाद रेफरेंस में जाना है सबसे एंड में, एंड इसके बाद आपको मीडिया पे चलने जाना है। यहाँ पे जैसे ही मीडिया पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मीडिया के नीचे एक देखेगा कैच, इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो कुछ यहाँ पे ऑटो डिलीट फाइल ऑर्डर देन, तो यहाँ पे 90 डेज रहेगा, इसको कर देना है आपको 14 डेज। तो इसको 14 डेज पे क्लिक करके एंड इसको कर देना है ओके। तो ये क्या होगा कि ऑटोमेटिक ये 14 डेज में ये रिफ्रेश हो जाएगा। सेकेंड है ऑटो स्क्रॉल टाइमलाइन। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग प्ले करते हैं ना तो अभी देख रहे हैं, ये हम प्ले करके देखते हैं तो ये स्क्रॉल नहीं होता टाइमलाइन। कहने का मतलब इस तरीके का स्क्रॉल नहीं होता है, ये एक जगह पे ही रुका रहता है। तो अभी इसको स्क्रॉल करने के लिए क्या करेंगे, आपको एडिट में जाना है। एडिट में जाने के बाद प्रेफरेंस पे चले जाना है और प्रेफरेंस के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे टाइमलाइन दिखेगा, टाइमलाइन के ऊपर प्रेस कर देना है और प्रेस करने के बाद फिर से टाइमलाइन पे के ऊपर प्रेस कर देना है। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा होगा टाइमलाइन प्लेबैक ऑटो स्क्रॉलिंग, इसके ऊपर जैसे ही प्रेस करेंगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा, नॉन स्क्रॉल, पेज स्क्रॉल एंड स्मूथ स्क्रॉल। तो एंड वाले पे मतलब स्मूथ स्क्रॉल पे क्लिक करके एंड ओके कर देना है। जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मतलब प्ले करके आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये दिखेगा, देख रहे हैं। पहले क्या था कि ये स्क्रॉल नहीं हो रहा था, एक जगह पे ये रुका हुआ था टाइमलाइन, अभी स्क्रॉल हो रहा है। जैसे वो मतलब म्यूजिक आगे बढ़ रहा है ये, उस तरीके से ये भी स्क्रॉल हो रहा है। थर्ड है क्लिप स्विचिंग। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग प्रीमियम प्रो में एडिट करते हैं तो इस तरीके से कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं क्लिप के ऊपर, तो क्लिप मतलब वो डिलीट हो जाता है, हट जाता है उस जगह से। तो अभी हम बताएंगे क्लिप स्विचिंग कैसे करें टाइमलाइन के ऊपर, तो इसको हम कर देते हैं कंट्रोल जेड। अभी ये क्लिप को जैसे ही ऊपर रखते हैं तो ये बंद हो जाता है, मतलब वो डिलीट हो जाता है। तो फिर से कंट्रोल जेड कर देता हूँ एंड ये क्लिप को हम प्रेस करके कंट्रोल प्रेस रखना है आपको। जैसे कंट्रोल प्रेस रखेंगे ना तो कुछ इस तरीके का ये देख रहे हैं आइकन आ जाएगा। जैसे क्लिप को इस तरीके से पकड़ के उठाएंगे ऊपर की ओर तो इस तरीके से आइकन बनेगा, और जैसे ये क्लिप के आगे जब रखते हैं तो ऑटोमेटिक वो क्लिप बैक साइड चला जाएगा। देखते हैं, देखिए इसको बोलते हैं क्लिप स्विचिंग। फोर्थ है सिंक लॉक। सो कई बार क्या होता है जब हम लोग एडिट करते हैं तो यहाँ से मतलब और मिनट, ये मैं थोड़ी सी ऊपर उठा लेता हूँ और ये वीडियो चलो ना, ये वीडियो रहा और इसको क्या है कि आईओ हम प्रेस कर देते हैं कुछ इस तरीके से ओके ऐसा, एंड हमको ड्रैग एंड ड्रॉप करना पड़ता है टाइमलाइन पे कुछ इस तरीके से, तो ये क्लिप ऐसा फिक्स रहता है। ये एक्चुअली मैं नीचे ले लेता हूँ तो समझ में आएगा, ये फिक्स रहता है, मतलब इसके ऊपर जैसे ही डालते हैं ना तो ये चिपक जाता है, मतलब वो डिलीट हो जाता है। तो उसको मतलब सिंक लॉक में कैसा ऑप्शन है कि आपको ये वॉल्यूम को है ना इसको म्यूट कर देना है। म्यूट करने के बाद आईओ प्रेस करके ये जो वीडियो वाला आइकन दिख रहा है जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपको, सॉरी पहले ये मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो ये ऑटोमेटिक म्यूजिक के साथ में जो ओरिजिनल रहेगा वो ऑटोमेटिक ले लेगा। सो 5 है डिस्प्लेइंग मेटा डाटा। सो कई बार क्या होता है कि जब हम लोग प्रीमियम प्रो के अंदर क्लिप्स ऐड करते हैं ना तो यहाँ पे आपको शो कर रहा होगा बहुत सारे प्रीव्यू, जो यहाँ पे डिटेल्स बताता है क्लिप्स का कि कितना मतलब कौन सी फ्रेम रेट पे शूट किए हैं, कितना टाइम पे शूट किए हैं और कितना सेकंड का है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मतलब वो
परेशानी होता है, कहने का मतलब ये ज्यादा दिखता है ना तो ये क्या है, नए बिगनर लोग को मतलब मालूम नहीं चलता है। तो इसको हम बंद करने के लिए क्या करेंगे, ये प्रोजेक्ट सेटिंग, जैसे ये सेटिंग दिखेगा आपको थ्री आइकन, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, मतलब क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे मेटा डाटा डिस्प्लेइंग के ऊपर क्लिक करेंगे। सो अभी इस तरीके कुछ आएगा एंड यहाँ पे फर्स्ट में ये प्रीमियम प्रो प्रोजेक्ट मेटा डाटा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देख रहेंगे बहुत सारे मतलब दिख रहा होगा चेक मार्क, इसको अनचेक कर देना है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से अनचेक कर देना है। एंड ये दो हम इसलिए छोड़े हैं कि फ्रेम रेट हमको मालूम चले। कई बार क्या होता है ना कि फ्रेम रेट मालूम नहीं होता है ना, तो सीक्वेंस हमारा मतलब 60 फ्रेम पे शूट रहता है तो 30 बन जाता है, 20 बन जाता है, 24 बन जाता है, ऐसा सीक्वेंस बन जाता है। तो हम फ्रेम रेट को देखकर मतलब सीक्वेंस का सेटिंग करते हैं। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो ये सब दिख रहा है ये हट जाएगा, ओनली फ्रेम रेट शो करेगा, 30 FPS 25 FPS शो कर रहा है। इसका मतलब है मतलब ये मेटा डाटा हो गया, इसको बोलते हैं मेटा डाटा। सो ये कैसा लगा, एंड चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड और नए नए ट्यूटोरियल लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।